नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बिहार में काबा, बिहार में बस चुनाव हुआ और कुछ भी नहीं है। बाकी बातें अपनी अपनी पीड़ा है, बाकी अपनी सच्चाई है, ये सभी जानते हैं। तो पोल टॉक का एक सर्वे है जिसको हमने कल किया था। हमने एक सर्वे लिया है बिहार चुनाव को लेकर के कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी। हालांकि यह सर्वे अभी एक बार दो बार हम और करेंगे, वोटिंग तक करेंगे और एक जो फाइनल सर्वे होगा वो हमले आएंगे 9 नवंबर को। यह सर्वे जो है, इस सर्वे ने पूरा झकझोर दिया है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, सभी जानना चाहते हैं। भले ही राजद पूरी सीटों पर चुनाव न लड़ रही हो, महागठबंधन में हो, भले ही जदयू पूरी सीटों पर चुनाव लड़के एनडीए में हो, लेकिन इस बार लड़ाई बहुत फाइनल है क्योंकि इस बार समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। और आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज सर्वे दिखाऊंगा पोल टॉक का कि पोल टॉक के सर्वे में किसे मिल रही है बढ़त, किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके से बंधेगा सेहरा, सत्ता की चाबी किसे मिलने वाली है, किसे लोगों ने पसंद किया है, 75% लोगों ने किस दल को या किस गठबंधन को फायदा पहुंचाने की बात कही है। ये वो लोग हैं जिसपे मैंने लिखा है कि यह ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम सर्वे कर रहे हैं। इसमें जिसे अच्छा लगे वही करे, न कि कोई यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, कोई यहाँ सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो वो सर्वे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आया है, किसके पक्ष में सर्वे जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। तमाम कयास लगा रहे हैं लोग। बिहार की आबादी 11 करोड़ है, 243 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद है जिसके पास 80 विधानसभा की सीटें जीत करके आने का रिकॉर्ड रहा। उसके बाद जदयू, भाजपा तमाम दल हैं, लेकिन चिराग पासवान को भी नकारा नहीं जा सकता। लगातार हमारे चैनल पर चिराग पासवान को भी सपोर्ट मिल रहा है। लोग कह रहे हैं सपोर्ट इस बार चिराग पासवान के लिए है। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ के हैं, ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो मेरे पोल टॉक यूट्यूब चैनल का जो सर्वे है इसे मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। दरअसल कल हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने लिखा था कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए और महागठबंधन दोनों को मैंने उसमें लिखा है। महागठबंधन के पक्ष में 75% वोटिंग हुई है और 25% हुई है एनडीए के पक्ष में। लगभग 580 वोट अभी तक पड़ चुके हैं जिसमें से 75% महागठबंधन और 25% एनडीए के साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं। हमने 580 लोगों का जो सर्वे है वो किसी छोटे मोटे सर्वे से कम नहीं है, एक बड़ा सर्वे है, एक निष्पक्ष सर्वे है, एक साफ सुथरा सर्वे है। उसी सर्वे के आधार पर मैं आज बताने जा रहा हूं कि वहां पर महागठबंधन की सरकार बनने के आसार हो गए हैं। हालांकि अभी मैं एक दो सर्वे और करूंगा, लेकिन फाइनल सर्वे आपको निकल करके जो सामने आएगा वो आएगा 9 नवंबर 2020 को, क्योंकि 10 तारीख को खुद जो है वहां का शानदार रिजल्ट सामने होगा। आप देख रहे होंगे उस समय किसकी सरकार बनी और किसकी नहीं। लेकिन दोस्तों, लगातार हमारा प्रयास है कि आपको जनमानस का वह भाव, जनमानस के वो विचार, जनमानस की वो बातें आप तक पहुंचाई जाएं और उन तक भी ये बात, ये मौका उन्हें पहुंचाया जाए कि आखिर चुनना किसे चाहते हैं, सत्ता की कसौटी पर किसे कसना चाहते हैं और सत्ता की चाबी किसे देना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपने 15 साल की सरकार का बखान कर रहे हैं, वहीं जदयू के अलावा राजद जो है उन पर हमलावर है। साथ ही साथ यहां पर चिराग पासवान भी बड़ा गेम करने की तैयारी में है। बीजेपी सबको देख रही है क्योंकि बीजेपी भी वहां पर बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि बीजेपी का मैंने कोई सर्वे अभी तक नहीं किया है, अभी एनडीए और महागठबंधन का हो रहा है, तो लोग नीतीश से नाराज हैं, इसलिए बीजेपी को भी लोग सपोर्ट कम कर सकते हैं। तो बड़ी खुशखबरी है राजद के लिए, बड़ी खुशखबरी है कांग्रेस और सीपीआई के लिए, बड़ी खुशखबरी है महागठबंधन के लिए, क्योंकि उसमें से 580 लोगों में से 75% लोगों ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन सबसे आगे रहा, लेकिन जब बाद में महागठबंधन से जदयू निकल करके भाजपा के साथ आती है तो वहां पर एनडीए बना महागठबंधन की लड़ाई तेज हो गई है। यह सर्वे निष्पक्ष है, यहाँ किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता से कोई न तो लेना देना है और न ही किसी से कोई अरेंजमेंट है। यह उन लोगों का सर्वे है जिन्होंने आकर के पोल टॉक के यूट्यूब चैनल पर अपनी बात को रखी है, जिन्होंने कमेंट किया है। इसमें 3 से 4 कमेंट भी आए हुए हैं, कुछ उसमें चिराग पासवान को कह रहे हैं और एक लोग उसमें तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। मतलब लोगों का मोह नीतीश कुमार से भंग हो चुका है, नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, यह सर्वे में बात सामने आई है।
हालांकि यह सर्वे मेरे द्वारा किया गया है, पोल टॉक के यूट्यूब चैनल द्वारा किया गया है। पोल टॉक के पास 42,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, लाखों लोगों ने पोल टॉक के चैनल को देखा है, अभी तक 7 मिलियन से अधिक लोगों ने पोल टॉक चैनल को देख लिया है, सारी चीजें हैं। तो दोस्तों यही है बड़ी खबर, अभी सर्वे में राजद चल रही है सबसे आगे। राजद का मतलब महागठबंधन, महागठबंधन के बाद जाप का हम सर्वे अलग करेंगे, उसके बाद हम उसे उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन का अलग करेंगे, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एनडीए बनाम महागठबंधन था, तो महागठबंधन को 75% वोट मिल चुका है, यह बड़ी खबर है, लालटेन जलने वाली है, यह खबर यही बता रही है। हालांकि यह खबर अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि यह सर्वे के आधार पर है, इसमें कोई सच्चाई अभी उस तरीके की नहीं है कि कितने सीटों पर कौन जीत रहा है, लेकिन 75% ने महागठबंधन को पसंद किया है और पोल टॉक का हर बार की तरह यह सर्वे भी सच साबित होगा, क्योंकि मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है और मैंने कई विधानसभा चुनाव में पोल टॉक के सर्वे को बढ़ चढ़ करके दिखाया है। मुझे लगता है कि आप निष्पक्ष समाचार के लिए पोल टॉक को सब्सक्राइब करिए, हमारा समर्थन करिए, सहयोग करिए, लगातार आपको ऐसे वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।